हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में दालचीनी वाला दूध पीने के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, दालचीनी को वंडर स्पाइस भी कहते हैं। एक और जहां ये खाने का जायका बढ़ाने के काम आता है, वहीं सेहत के लिहाज से भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सेहत और खूबसूरती दोनों ही चीज़ों के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी में मौजूद कंपाउंड कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यूं तो दालचीनी अपने आप में ही एक अच्छी औषधि है, लेकिन इसे दूध के साथ मिलाकर पीना और भी फायदेमंद है। दालचीनी वाला दूध कई बीमारियों में फायदेमंद है और कई बीमारियों से सुरक्षित भी रखता है। दालचीनी वाला दूध बनाना बहुत ही आसान है। एक कप दूध में 1 से 2 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। वैसे तो इस दूध को पीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो आइए जान लेते हैं दालचीनी वाला दूध पीने के फायदों के बारे में। नंबर 1, अच्छे पाचन के लिए। अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहती है तो दालचीनी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही गैस की प्रॉब्लम भी ये राहत देने का काम करता है। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दालचीनी में कई ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दालचीनी वाला दूध खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, अच्छी नींद के लिए। अगर आपको निंद्रा की प्रॉब्लम है या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो दालचीनी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सोने से पहले 1 गिलास दालचीनी वाला दूध लें, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। नंबर 4, खूबसूरत बालों और त्वचा के लिए। दालचीनी वाला दूध पीने से बालों और स्किन से जुड़ी लगभग हर समस्या दूर हो जाती है। इसका एंटी बैक्टीरियल गुण स्किन और बालों को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। नंबर 5, मजबूत हड्डियों के लिए। हड्डियों की मजबूती के लिए लोग सालों से दालचीनी वाले दूध का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस दूध के नियमित सेवन से गठिया की समस्या नहीं होती है। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।